पंखा जलाना गजब हो गया रे। आना गजब हो गया दे, लेके शेरो पुआना गजब हो गया। मार सकते लगा जब लखन लाल के, वाह बाबा वाह, लखन लाल को राम जी देख रोए लखन लाल के नजीने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम हनुमानगढ़ी में हैं, अयोध्या की पावन धरती पर। 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा हर्षोल्लास का माहौल है। हमारे साथ कुछ गाने वाले मिल गए हैं जो भगवान का भजन गा रहे हैं। हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कहाँ से हैं। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? राम सागर जी। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी से। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत धन्य लग रहा है, धन्य। हाँ, जीवन धन्य हो गया। बाबा जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा सज्जन। सज्जन हाँ। अयोध्या में कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। हम का ही हमारे जुगात रही। मजा आ गई बा। बिल्कुल मुल्हिया कोई कमरा नहीं मिल रहा है महाराज रह के लिए। अयोध्या पहली बार आए? किसके पहले भी आ चुके थे? पहली बार आए महाराज। हाँ। पहली बार आने के बाद त्रेता युग का फील कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? बढ़िया महाराज। दिनेश। क्या नाम हुआ? शंकर। शंकर जी। हाँ। अच्छा, क्या नाम बाबा जी? हमारा नाम है राजा नंद सरस्वती, जिला लखीमपुर खीरी, वाराणसी काशी विश्वनाथ जुड़े हुए। हाँ। एक स्थान पड़ता है गोला गोकर्ण नाथ। हाँ। वो छोटी काशी है। हाँ। वहीं से हम सेवक। छोटी काशी से आज आप अयोध्या में आ गए हैं, कैसा लग रहा है? ओ, हमको तो ये लगता है ये पावन धरती तो है, बैकुंठ धाम में है। बैकुंठ धाम में लग रहा है ना? अच्छा, तो भजन वजन भी सुनाते हैं? जी स्वामी जी। कैसे सुनाते हैं? चर्चा है पूरा सोशल मीडिया पे आपकी। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। सुनाइए ना जरा। बोल श्याम राम चंद्र की, बोल बजरंग बली की, जय हो जय हो। तुम्हारी तो बजरंग बली लेके शिव रूप आना गजब हो गया। बजरंग बली स्वरूप आना गजब हो गया। जय हो जय हो। ये बजरंग बली गजब हो गया है। त्रेता युग में भी आए तो द्वापर में भी। जय हो जय हो। तुम्हारी ये बजरंग बली तेरा स्वरूप आना गजब हो गया। बचपन की कहानी निराले बड़े, जब लगे भूख बजरंग मचलने लगे। बचपन की कहानी निराले बड़े, जब लगे भूख बजरंग मचलने। हे फल समझ कर उड़े आप आकाश में, तेरा सूरज का खाना गजब हो गजब हो गया। जय हो जय हो। तुम्हारे तो बजरंग बले लेके शोरों को आना गजब हो। हे कुदे लंका में जब मच गए खलबले, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बले। कुदे लंका में। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मार डाला छे को पटक कर वही, पटक कर वही, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। आना गजब हो गया। लेके शेरो आना गजब हो गया। मार सकते लगा जब लखन लाल के। वाह बाबा वाह। लखन लाल को लगा जब लखन लाल के।
राम जी देख रोए लखन लाल को लेकर संजीव मन बूटे पवन वेग से लेकर संजीव मन बूटे पवन वेग से पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया लेके शोरों को आना गजब हो गया जय हो जय हो तुम्हारी तो बजरंग बली लेके शोरों को आना गजब हो गया जय हो जय हो तुम्हारी तो बजरंग बली लेके शोरों को आना गजब हो। महाराज जी वाराणसी में कहल जाला कि जब भक्ति कोई गाना होता है तो पूरा एकदम काशी के लोग झूम जाते हैं, लेकिन आप अयोध्या में आए हैं, हम चाहते हैं कि उधर की पूर्वी कुछ ऐसा आप गाइए कि दर्शक जो हैं वो झूमना शुरू कर दे। इस समय आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, का कहबा जी? श्री राम जी, हम जानते हैं स्वामी जी, का कहबा महाराज जी? कुछ ऐसा हो के चाहिए कि सब लोग नाचना शुरू कर दे, क्या बात है, वाह वाह श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने बैठे सीने में दिल के नगीने में श्री राम मेरे सीने में श्री राम पत्ती पत्ती में तो डाली डाली में तो पत्ती पत्ती में तो डाली हर जहां में भी तेरा नजारा है श्री राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में राम जान के बैठे हैं मेरे सीने में। क्या बात है महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं, क्या सबके लिए क्या सबके लिए यही कहेंगे अयोध्या वैकुंठ धाम और बारंबार धन्यवाद धन्यवाद सभी कुशल मंगल। महाराज जी कुछ लोग अयोध्या में नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? वो दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है, मत मारी है उनकी, मत मारी है। क्या कहना चाहेंगे अतुल भाई? कुछ लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए, वो कह रहे हैं ये सब चुनावी रणनीतियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब कभी विनाश का समय आता है तो विवेक मर जाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और ये जो मंगल घड़ी आई है उस समय इनका विनाश आने वाला है, और तभी इनका बुद्धि विवेक काम करना बंद कर चुका है। वो मूर्ख घोर मूर्ख अपराधी हैं, मूर्ख मूर्ख हैं बिल्कुल, जैसे राक्षस कभी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होते, देखा है आपने? कोई पहले देवताओं का कार्यक्रम हो तब आपने मांगलिक कार्यक्रम में कभी सुना है कि कोई सुर असुर राक्षस वहाँ आए हो? नहीं, विघ्न डालने के लिए आएंगे और ये चद्दर चढ़ाने जाएंगे, मत्था टेकने जाएंगे, लेकिन राम दरबार नहीं आएंगे। ये अभी भी सोए हुए हैं, ये जब तक नहीं जागेंगे
अत्यंत मूर्खतापूर्ण ये काम कर रहे हैं। ये शायद आप समझ रहे हैं ये किस लिए राम मंदिर नहीं आ रहा है। आएंगे आपके पास, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमन शुक्ला नाम है। अमन जी, जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं, न्योता को ठुकरा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये पत्रकार महोदय, आप हमको ये बताइए, जो राम जी को काल्पनिक बता दिया उससे आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इससे अच्छा है, इससे अच्छा है ऐसे इंसान ना ही आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मैं कह सकता हूँ, कहाँ मैं बोल रहा हूँ आप जान लीजिए किसको बोल रहा हूँ, ठीक है, एक लोगों ने करोड़ों लाखों राम भक्तों को गोलियां चलवाकर मौत के घाट उतरवा दिया, और दूसरे लोग जो है उनका पूरा खानदान राम को काल्पनिक बता दिया, और हिंदू दिखावा करने के लिए कौन रुद्राक्ष ऊपर पहनता है? 25-25 को बड़ा से बड़ा वकील रख कर सुप्रीम कोर्ट में खिलाफत किया कि राम मंदिर का निर्माण ना हो सके, और हमारे सच्चे राम भक्तों की देन है, उनके प्राण उन्होंने न्योछावर किया है कि आज हमारे राम जी अपने पुराने अस्तित्व पर विराजमान हो रहे हैं, और यहाँ की ही जनता नहीं, यहाँ की जनता तो खुशहाल है ही है, पूरे विश्व की जनता खुशहाली की ओर बढ़ रही है, और ऐसा हम कह सकते हैं हमारी अयोध्या पुराने अस्तित्व में लौट आई है। जी, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि राम जी के मंदिर में, राम जी के इस आयोजन में आने के लिए कोई न्योता की जरूरत है? राम अपने मन से आना, राम जी सभी के हैं। राम तो एक और चीज कहना चाहते हैं, हम लोग का देखिए सनातन धर्म में शुरू से है वसुधैव कुटुंबकम, हर आदमी जो है सब यहाँ वेलकम है। इसका प्रचार पूरा, कहाँ से आए हैं डॉक्टर? हम पाटलिपुत्र से आ रहे हैं, चाणक्य की जगह से, बुधा के जगह से, बोध गया से आ रहे हैं। मतलब आप राम जी के ससुराल से आ रहे हैं? ससुराल से है, जान लीजिए कि इस संसार में ससुराल ही सार है, बाकी हर कुछ असार है। तो सुनिए ना समझियाने में आके कैसा लागत? अरे मजा मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा लग रहा है कि का बाबा का कहबा कहबा देखत यज्ञ साचर धाम करें वो पद्रो मुन दुख पावे, तो वो कौन है बोलिए थोड़ा, वो कौन है? वही है 1992 में रामचंद्र भूमि बनाने के लिए अयोध्या में खून के नदियों लोग बहाए, कांग्रेसी नेता लोग जीतने थे, राहुल गांधी के परिवार बहुत से बहुत चर चलिए, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दिए, और खाली करते है। तो आप ये देख सकते हैं, अभी हम लोग अयोध्या में रामगढ़ी में है, और लगातार जो यहाँ राम भक्तों की जो टीम है वो कहीं न कहीं अपनी बातें रख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।